इसका मतलब तो सर वो पुजारी अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है सर, ईमानदार है, उसके घर से भी कुछ ना बरामद हुआ। पुजारी तो क्लियर निकला, लेकिन चोरी तो हुई है, वो भी सबके सामने, तो मामला तो गड़बड़ है। मैं चौटाला। हाँ सर, सबके सामने चोरी हुई है और इतनी अटपटी बात है कि सबने देखा है, एक दाढ़ी वाला आदमी जो है मूर्ति उठा के ले गया। कैसे? दिस इज मैं बताऊं मैडम, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दाढ़ी वाला आदमी वहां पे आया, टोकरी लेके उसमें भगवान को रखा और सबके सामने टोकरी लेके चला गया। ऐसा इसलिए हुआ है ना, उसमें दिमाग दिमाग थारे जीजा में हो रहा घना सारा, जिन्होंने अपनी कमिश्नर की पोस्ट का खूब फायदा उठा के तेने हम पे छोड़ दिया है, जस्ट लाइक अ टोमी। और कितना दिमाग है हम सब जानते हैं, दो मिनट में तेरे दिमाग चेंज होते रहता है, पता नहीं हवलदार से चपरासी का बन जाए। जा बे नीचे जा बे। चौड़ाला ऐसे छोड़िए, केस में ध्यान देते, मूर्ति कहाँ गई भाई, मूर्ति कैसे गायब हो गई? मैडम इन चीजों में मैं विश्वास रखता हूँ मैडम, मतलब भगवान है मैडम, तो मैडम हो सकता है कि भगवान खुद आए हो स्वयं और उन्होंने कहा हो कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, और फिर वो जो दाढ़ी वाला था वो हो सकता है भगवान का दूत हो, वो आके भगवान को ले गया हो, मतलब विश्वास की बात है। अबे गुलगुले शट अप यार, कैसी बकवास सी बातें कर रहे हो बे तुम, हैं? केस में ध्यान दो, अंधविश्वास में ना घुसो इतना, समझे? मैं चौड़ाला देखिए, कांड तो हुआ है और कांड हमारे हिसाब से उस वक्त हुआ है जब धुआं उठा है। सर ये धुएं में चक्कर से, सर मन्ने दिखे है कि धुएं में ना कुछ ऐसे टॉक्सिक पदार्थ मिले होंगे, हैं, केमिकल वगैरह, जिससे कि जो है इंसान को ऐसा नशा टाइप हो जाए, चक्कर आ जावे, कुछ कुछ दिखने लगे, हेलुसिनेशन कहते हैं मेडिकल साइंस में, एक वर्ड हो गए इंग्लिश में, हेलुसिनेशन मतलब दिखने लगना कुछ भी। हेलो नहीं, अरे सर सर अंदर जो कमरा रहे है ना, जिस आदमी का उस कमरे में आना जाना है, मन ने दिखे कि कोई उस वाले आदमी ने ऐसा कोई सामान छोड़ा होगा, वो केमिकल वगैरह धुआं जिससे हुआ। मैडम मैंने पता किया है, वहाँ मंदिर में ना पुजारी जी एक अनुष्ठान कर रहे हैं जिससे भगवान वापस आ जाएंगे। है जी, ओ अनुष्ठान से भगवान वापस आ जाएंगे, भाई यो चमत्कार तो हम भी देखेंगे। तो भक्त जनों, आज हम लोग यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, हमारे कुल देवता, हमारे कुल देवता हमसे रूठ गए, क्रोधित होके मंदिर छोड़कर चले गए। हमें उनसे विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि वो फिर से वापस आ जाए। उसके लिए आज हम लोग मिलकर अनुष्ठान करेंगे। नमस्ते पुजारी जी। नमस्ते भाई, हमने कहा अनुष्ठान है तो हम भी क्यों ना इसमें शामिल हो जाएं, भक्ति की भक्ति हो जाएगी और शक्ति की शक्ति, क्यों सर? हाँ क्यों नहीं यार, हम इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर नहीं है, लेकिन भगवान में तो विश्वास करते ही है, तो आ गए ऐसे ही जी। हाँ तो आइए बिराजिए, बैठिए बैठिए, आपका स्वागत है, बैठिए 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 बैठिए। भक्तजनों, अनुष्ठान के दौरान बीच में हम जो हमारी धर्म पत्नी के सामने जो थाल रखा है उसे उठाकर अंदर जाएंगे, इसे भोग कहते हैं, प्रभु का भोग। हमें लगता है कि तब तक हमारे कुल देवता वापस आ जाएंगे। कुल देवता की जय हो। भोग चढ़ा के ये जरा प्रसाद तो बांटेंगे ना आप सब में? Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. जब यहाँ नहीं है मूर्ति इस दा, फिर काहे का खाना, काहे की पूर्ति इस दा।
अरे अंकल जी, भले ही मंदिर में मूर्ति हो या ना हो, लेकिन जिस स्थान पे वो विराजमान थे, हमारे लिए तो आज भी वो वही है। चारों शो देखूंगी। अब अनुष्ठान शुरू करें। मूर्ति आ गई, मूर्ति। वाओ 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 वाओ। कुल देवता की जय। देवता की जय। कुल देवता की जय। देखा देखा, ये हमारे अनुष्ठान का प्रभाव है। केला खिल के क्या बात है प्रभु, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रभु प्रकट हो गए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। बोलो कुल देवता की जय। देवता की जय। मैं छोड़ा ला, मूर्ति तो सच में वापस आ गई है, और जैसा फोटो हमें सेठ भानु भल्ला ने दिखाया था, सेम टू सेम वैसे ही है तो, ना? वाह, सच में चमत्कार, चमत्कार भाई, चमत्कार हो गया भाई। श्रद्धालुओं की भक्ति में कितनी शक्ति हो वे, यो आज पता लग गया। धन्य है प्रभु, धन्य है। प्रणाम प्रभु। प्रभु कोई भी गलती हो तो क्षमा चाहूंगी, पर आज जो है ये जो चमत्कार आपने दिखाया है प्रभु, मैं धन्य हो गई देखकर। वाह प्रभु, प्रभु प्रभु जय जय जय। प्रभु की लीला कमाल है, नहीं है? बट लेकिन किंतु परंतु बस एक छोटी सी जो है प्रॉब्लम है कि प्रभु नकली है। नकली? नहीं नहीं नहीं, मतलब क्षमा चाहूंगी, प्रभु तो असली हैं, हर जगह हैं, किंतु प्रभु की मूर्ति नकली। क्या नकली है? नकली ये कैसे हो सकता है? हाँ, यो मूर्ति नकली है और उसका सबूत है। चिपक गए यो कलर। माने इसका मतलब क्या? यो ऐसे हो सके पंडित जी कि जब आपने नकली मूर्ति पे गोल्डन पेंट मारा और यहाँ रख दिया, तो आप यो भूल गए कि भैया पेंट अभी तक सूखा ना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसा मैंने नहीं किया है। पंडित जी, ये पर्दे के इस तरफ जो कोई आया है वो सिर्फ एक ही, वो है आप। तो इसका मतलब इन शॉर्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। भाई पकड़ लो, क्योंकि हमारे हाथ तो रंग गए हैं, हैं जी। चलिए पुजारी जी। रोते रोते हंसना सीखो। हंसते हंसते थैंक यू मैडम, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी मैडम, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैडम। तानपुरा टेढ़ा है मैडम। आपने इस बात का पता चला लिया, इन सारे कांडों के पीछे इस पुजारी का हाथ था। तानपुरा टेढ़ा है। ओ पुजारी का बच्चा, हाँ बन तो रहा था बड़ा सच्चा, क्यों ना चबा जाऊं तुझे मैं कच्चा। हाँ अरे तुझे शर्म नहीं आई? तेरे दादा पर दादा पीढ़ियों से हमारे कुल देवता की सेवा करते आ रहे हैं और तूने उनकी मेहनत ईमानदारी का ये सिला दिया। हाँ तोते उड़ा दूंगी। अरे हम निर्दोष है केला छिल के। मैं क्या कह रही हूँ सेठ जी और मनोरमा जी, अपना सेठ जी और सेठानी जी, आप लोग घर को निकलिए, हम इससे उगलवाते हैं। हाँ मैडम, हमें पूरा यकीन है मैडम कि आप जल्द से जल्द इनसे सब कुछ उगलवा लेंगे मैडम। तानपुरा टेढ़ा है। चलो 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 चलो। क्यों रोक दी? मतलब दिख नहीं रहा सामने दो आदमी खड़े, चढ़ा दूं ऊपर से? तानपुरा टेढ़ा।
अरे भाई साहब, आप लोग रास्ते के बीच में क्यों खड़े, हटिए ना, हमें आगे जाना है यार। अगर हम हट भी जाएंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। अच्छा एक्टर है अनुपम खेर, यहाँ गिर गया है पेड़। देखिए कहाँ। अरे भाई साहब बताइए, पेड़ यहाँ से हटेगा कैसे, तानपुरा टेढ़ा है। देखो हमें फ्लाइट पकड़नी है, अगर हमारी फ्लाइट छूट गई तो तोते उड़ा दूंगी। अरे तोते उड़ा, ए भाई साहब बताइए ना, ये पेड़ यहाँ से कैसे हटाएं, तानपुरा टेढ़ा है। अब देखिए एक आदमी से तो हटेगा नहीं है। वैसे हम हाँ सुखिया है, आप दोनों भी आ गए हैं, लेकिन और कुछ 15-20 लोग चाहिए। तो ये भाभी जी आप एक काम कीजिए, थोड़ा डांस कीजिए, हो सकता है डांस देख के कुछ लोग आए, मदद कर देंगे। अरे अरे नचनिया, ये तोते उड़ा रही हो तुम, तुमको शर्म नहीं आती, रास्ते के बीच में यूं नाच रही हो। ए रुकिए आप लोग, मैं ही कुछ करता हूँ। तानपुरा टेढ़ा है। तो भारी है। अरे वाह 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 सेठ जी, भैया तुमने तो, तुम बिल्कुल योग को जूना हो गए, तुमने इतना भारी भरकम पेड़ सरका दिया। अरे वो तो ठीक है मैडम, लेकिन आप यहाँ। अरे हम ही यहाँ नहीं, यो भी मारे ही बालक हैं। मुलायम सिंह गुलगुले गोप्स। लेकिन हाँ, और बिल्कुल भी ना लगने वाले सेठ जी, अब आप एयरपोर्ट जाके फ्लाइट पकड़ के सीट पे बैठ के सीट बेल्ट बांध के एयर होस्टेस को ताड़ के विदेश नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे साथ जीप में बैठ के हथकड़ी बांध के जेल जाएंगे, और ये मेकअप की दुकान भी। क्यों, क्या मजाक लगा रखा है तुमने? अरे हम क्यों जेल जाएंगे, तोते उड़ा दूंगी। तानपुरा टेढ़ा। दोनों मियां बीवी ने चोरी करी है, कुल देवता की मूर्ति की चोरी, और चोरी करी और पुजारी पे इल्जाम लग जाए, इसलिए दोनों आ गए एफ.आई.आर लिखाने। नकली मूर्ति लगा दी वहां असली मूर्ति की जगह। उस नकली मूर्ति का गोल्डन कलर मैडम के हाथों पे लग गया, तभी मैडम सब समझ गई थी। फिर मैडम ने मूर्ति को उठा के भी देखा, और पता चला कि वो मूर्ति कुछ 20 किलो से ज्यादा की नहीं थी, जबकि असली मूर्ति 90 से 100 किलो की है। तूने हमें नहीं बताया, लेकिन हमने पता लगा लिया कि ऑल इंडिया वेट लिफ्टिंग का तू चैंपियन रह चुका है, और 300 किलो तक उठाना तुम्हारे लिए ऐसा आसान काम हो रहा है जैसे कि धर्मपाद जी का फिल्मों में जिन्नतमान को उठाना। वाओ 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 वाओ। हैं? और तू एक नंबर का पाजी, सबके सामने दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे चलता बना मूर्ति को उठा के जैसे कि बिल्कुल जो है परम भगवान आ गए। बेरा है कि मैं जो है ना थारी अम्मा हूँ, समझा? 10 करोड़ में तैने कुल देवता की मूर्ति बेची है, यो भी हमें बेरा है। लेकिन मैडम आपको मुझ पे कैसे शक हुआ है? बेटा जब ऐसे कांड हो गए हैं ना तो सब की फाइलें खुलती हैं, थारी भी खुली। वेट लिफ्टिंग का चैंपियन तो तू है ही, साथ में बिजनेस में तैने घाटा हो रहा है, हा? और फिर तैने जो है ऑस्ट्रेलिया के वीजे लगवाए हैं दोनों के पासपोर्ट में, और टिकटें भी खरीदी है, तो हम समझ गए थे कि ये कोई बड़ी धांधलेबाजी करके देश छोड़ के भागने की ताक में हो रहा। Well, you both are खोते इस दा, अब जेल में उड़ाना तोते इस दा। Arrest him and follow me. हाँ जी। Okay sir. Sorry. यो मूर्तियां हमारे देश की धरोहर है,
हमारे देश किसान है, पर कुछ लालची लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इन मूर्तियों को दूसरे मुल्कों में बेच देते हैं। पर जब तक हम जैसे कुछ लोग जिंदा हैं, हम जान लड़ा देंगे कि देश की धरोहर देश में ही रहे। व्यक्तिगण, कुल देवता वापस आ गए हैं। तो बोलो कुल देवता की जय, कुल देवता की जय, कुल देवता की जय, कुल देवता की जय। कह रही हो कपड़े धोने का पाउडर खरीद लेते हैं। यार तुम्हारे साथ यही समस्या रहती, कहीं चलो बस पाउडर खरीद लेते तो। हाथ पकड़ लो हमारा। मुझे कोई हाथ वाथ नहीं पकड़ना है तुम्हारा। अच्छा ठीक है भाई, हैं? लेकिन तुम्हारी आदत अक्सर यही है, कहीं चलो तो तुम सामान खरीदने का जो है ना लिस्ट पहले निकालने लगती हो। चलते चलते बोलना जरूरी है तुम्हारा। हाँ हाँ बिल्कुल बोलना जरूरी, क्यों ना बोलूँ देखो ना। अरे दिन दहाड़े यहाँ चोरी हो गई। तुमको कितनी बार मैंने समझाया कि अपने जेवर जो है ढक के चला करो, लेकिन नहीं। अरे यहाँ बातें मत करो, जाके उसको पकड़ो। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। जा, ये भी बतख की तरह ही दौड़ते हैं। तीनों मिलके जो है हमारी फाइल में घुस रहे हैं कि केस सॉल्व करेंगे युवराज सारे। सॉरी नहीं, खड़ा रहे बस। अरे बोलो मत चलो ना। एक्सक्यूज मी, मैं यंग हूँ। अच्छा चल झूठे अंकल जी, बहुमत से जीते हो तुम। देखने में हो रहे 50+ के और कह रहे हैं मैं यंग हूं। मैडम ही धोखा खा गई। अरे मैडम जी, अरे मैं देखने में 50 का हूं लेकिन मैडम जी मैं हूं 26 का। हाँ ऑटो करो यार। वाला एक्सक्यूज मी, हू द ही द ब्यूटी इज द, मैं बीवी की करता हूँ ड्यूटी इज द। अरे मैं इनकी बीवी हूँ पिंकी, हनीमून पे जाना है। आपको हनीमून पे जाना है? और ये आपके पति आपको हनीमून पे नहीं लेकर जा रहे, समझ गया? ना, समझ गया मैडम मैं। मतलब ये अवला मजलूम नारी यहाँ पर बिचारी इस बात की FIR लिखवाने आई है कि इसे हनीमून पे जाना है लेकिन पति हनीमून पर लेकर नहीं जा रहा है, हैं? अरे नहीं भाई साहब, अरे हम लोगों ने हनीमून जो है गोवा में मना लिया है। ऑटो करो यार, हम यहाँ पे जो है ना FIR लिखवाने आए हैं। मैडम जी बात दरअसल ये हुआ कि हम अपनी पत्नी के साथ जो है ये अपना ये कहना चुटपुटियागंज ऑटो स्टैंड पे उतरे और जो सुना सामने का रास्ता था उस पे हम आगे बढ़े। बस मैडम तभी अचानक जो है एक नाकापोश आया और हमारी बीबी का हार खींच को भाग गया। अरे मैडम जी हमने उसका पीछा किया, पता नहीं वो कहां जो है गुल हो गया। ऑटो करो यार। क्या बात कर रहे हो, कब हुई, कहां से हुई, कैसे हुई, किसने की, क्यों की, किस कारण से की, तुमने तो नहीं करवाई, तुम्हारा कोई हाथ हो सकता है, कोई तो बात हो सकती है, इसमें तुम्हारा भी कोई ना कोई ले। सॉरी मैडम। अबे कौन सूरमा पैदा हो गया हमारे इलाके में जो चेन स्नेचिंग की हैबिट रखे है, लोगों के गले से लेडीज के जो है छीन रहा हार वगैरह। अरे मैडम उस चोर को पकड़िए, वो जो हार है ना वो गुल्लू की निशानी है, हनीमून पे जाना है। वाला एक्सक्यूज मी बेबी, हू द शी द गुल्लू इज द, मेरी सास मुझे कहती है गुल्लू इज द। चुल्लू मैं। चलो भाई केस आगे बढ़ाओ, कौन अभी गुल्लू कौन है?
गुल्लू गुल्लू है ना मेरे मायके में मेरे घर के सामने ना पान की दुकान लगाता है। हनीमून पे जाना है। जाओ जरा जाके देखो कहाँ और कैसे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ चोरी हुई है। यस ऑटो करो यार ऑटो। अरे नहीं अरे ऐसा नहीं पूरी बात तो होने दो हमारी। कमाल है यार तुम भी है। देखो साहब वो क्या है कि हम और हमारी बीबी वहाँ उतरे और वहाँ से हम लोग पैदल चल के आ रहे थे और यहाँ से ये जो रोड है वो सामने जा रही थी। वेल काके ये रोड जा नहीं रही रोड इधर आ रही है। अरे नहीं नहीं दादाजी ये रोड जो है ना उस तरफ जा रही है। अरे यार मैंने कहा ना जा नहीं रही इधर आ रही है। एक मिनट मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ कि ये रोड जा रही है कि आ रही है। ये रोड जो है वो जा भी रही है और फिर आ भी रही है। देखा मेरा दिमाग हो गया। अरे दिमाग वाले भैया ये रोड रोड छोड़िए और चोर का पता लगाइए। अगर मैं मायके गई और मेरे गले में हार नहीं मिला तो मैं गुल्लू पान वाले को क्या मुंह दिखाऊंगी। हनीमून पे जाना है। अच्छा गुल्लू पान वाले की तुम्हें कुछ ज्यादा ही पड़ी है। ऑटो करो यार। चुप करो यार कौन हो सकता है यार ये गोपी। वेल गुलगुले शायद तुम गए हो भूल इसदा इस इलाके में रहता है मशहूर गुंडा कपिल कूल इसदा। अरे हाँ कपिल कूल वही ना ये जो चेन बटवा पर सब मारने में एकदम माहिर है। या जाके मम्मी जी को करते हैं इन्फॉर्म इसदा कहीं होना ये कपिल कूल का काम इसदा। सही कह रहा है गोपी। बिल्लू कहाँ गया। ओह माय गॉड लगता है फिर से गया है वो भूल इसदा असूल इस असूल इसदा वसूल इस वसूल इसदा। अबे भूल गया कि वो पुलिस वाला और वो लुटेरा बन के भाग गया। चलो चलो चौकी चलो चलो आओ। इसका तो यो मतलब है कि यो काम वो कपिल कूल का हो सके। बिल्कुल मैं चौड़ाला इन दोनों ने जब हमें इन्फॉर्मेशन दी तो हमने वो कपिल कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली और परफ्यूम कौन सा लगाया आपने मुझे चुड़ाने? अच्छा अच्छा ना हमें पता चला कि कपिल कूल 3 दिन पहले ही जेल से छूटा है बस। वेल कपिल कूल ने मचा रखा है आतंक इसदा तो सबको कर देगा तंग इसदा। मैडम जी नमस्ते हम कुछ नहीं समझते झोला झारखंड का है। अबे तो तू कहाँ का है बुंदेलखंड का कि उत्तराखंड। अरे बुंदेलखंड की तो मैं हो रखी हूँ मैडम। मैडम मेरा नाम मंजू अग्रवाल है बांदा मेरी ससुराल है। अच्छा मैडम एक बात बताओ आप भी बुंदेलखंड की हो रखी हो क्या। बुंदेलखंड में कहाँ की हो हाँ जहाँ सी महोबा हमीरपुर बांदा अतर्रा बताओ तो सही कहाँ की हो। मेरा नाम मंजू अग्रवाल है बांदा मेरी ससुराल है। अरे अपने मुंह का शटर बंद रखेगी जहाँ देखो रिश्तेदारियाँ निकालना शुरू कर देती है। मैडम रास्ते में ऑटो रिक्शे वाले सभी इसने रिश्तेदारियां निकाल निकाल के उसकी साली बन गई और हमें बना दिया उसका साधू भाई। साधू भाई झोला झारखंड का है। अबे बस करो यार बस करो हम पहले से इतने कंफ्यूज है ऐसे ऐसे नाम ले रही जगहों का हमें पता ही नहीं है ज्योग्राफी सिखा रही हमको। और ये दूसरा झोला लेकर सब्जी मंडी आ गया बेचने सब्जी। ना ना भैया हम सब्जी खरीदने ना आए हम तो बैठे बिठाए लूट गए बस यूं ही। एक मिनट भैया मेरी तरफ देखिए। हैं ऊपर देखिए मैडम की तरफ देखिए नीचे देखिए इनकी शक्ल कितनी जानी पहचानी लग रही है। वो क्या है कि मेरी ममेरी बहन है ना जो कानपुर में भी आई है
उसका देवर कतई तुम्हारी शक्ल का हो रखा है भैया। सच्ची? अच्छा कानपुर में तुम कहाँ के हो? घास मंडी चौराहा घंटाघर किदवई नगर कानपुर। कानपुर में तुम कहाँ के हो बताओ तो सही। कानपुर का टिकट कटा दूं? ओए मां। हैं? दौड़ती भी जा, ट्रेन के मालगाड़ी के पीछे भाग ले तू। जेल करवाएगी क्या? कानपुर पहुंच ले, पता कर ले वहीं जाके। और वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में What is the problem is that दिल्ली में? शाहरुख खान का पुराना घर is the क्या क्या है गुलगुले दिल्ली में? कुतुब मीनार is the हाथ में पकड़ते पंखा है, हवा खाई है बस। Take your time. Finish. Pagal Khana is the IP College is the Delhi Airport Palom is the Thank you bro. अरे दादाजी प्रॉब्लम ये है कि हम चितपुटिया गंज ऑटो स्टैंड पे अपनी पत्नी के साथ ऑटो से उतरे। अब आगे गली है चूड़ी वाली, वहां हमारी सौतेली साली रहती है, उसके बेटे का मुंडन है। हम वहां जा रहे थे तो अचानक एक नकाबपोश आया और हमारी पत्नी के कान के झुमके छीन के भाग गया। झोला झारखंड का है मैडम। लीजिए मैडम, एक और घटना घट गई है मैडम, वो भी सेम एरिया में। मैडम इस कपिल कूल का कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा मैडम, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इस कपिल कूल का टेंशन ना लो मुझे डाला, हम लेकर आते हैं इसे, कान पकड़कर चौकी लेकर आते हैं इसको भी। ठीक है सर, ये सही रहेगा। क्या बात है सर। रोजी तुम जाके जरा मेरे लिए कॉफी बनाओ। भूला ओ बिल्लू आ गया आपका लवर। क्यों बे गधे, नालायक, उल्लू, पाजी, हजार बार तुझे समझाया कि पढ़ाई पे ध्यान दे ले, लेकिन तुझे कंचे खेलने से फुर्सत नहीं है। आज फिर तेरी जेब से ये मिले। 3 बार हाई स्कूल में फेल हो चुका है, 3 बार। गोबर भरा है दिमाग में तेरे, गोबर। ने पाप को घूर घूर के देख रहा है बेशरम नालायक। अबे तू रुक, अंदर हमारे कैबिन में जा, हम तेरे साथ कंचे खेलेंगे। सर अरे सर छोड़िए ना उसे, आप सर कंचे खेलेंगे। सर प्लीज काम डाउन हो, ये कुछ हैं आपके पुराने जन्म के बुरे कर्म जो आ रहे हैं सामने, आप उसको पकड़ के लाइए सर, कपिल गूल को। और हाँ इसको लेके जाइए पालम एयरपोर्ट को। और सुन गुलगुले जी, तू जा और वो दोनों ऑटो वालों ने लेकर आ जिनमें ये और वो दूसरी वाली पार्टी बैठी थी, और पहले वाले कपल को भी लेकर आ आइडेंटिफाई करने के लिए। ये कपल कॉल डब्बा था बे, जाएंगे कैसे? अबे क्या कर रहे हो बे? Anyways, भागने की कोशिश मत करना, हम दोनों ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। Well, bro, don't run is the, हमारे पास है gun is the। अबे गर्मी लग रही है और तुम कांप रहे हो बे? किस तरह कांप रहे हो? क्या कर? हमारा खौफ इतना फैला हुआ है कि लोग हमारा नाम सुन के ही कांपना शुरू करते अजीब अजीब तरीकों से। अरे नहीं नहीं, मेरा नाम है कपिल कूल, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है मई के महीने में। Well, अब लगेगा और ठंडा इज्जा जब पड़ेगा मम्मी जी का डंडा इज्जा। अरे वाह, अरे दादाजी मैंने क्या किया है? अरे अभी अभी तो जेल काट के आया हूँ कुछ दिन पहले मई के महीने में। अबे तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है चौकी आगे सब पता चल जाएगा। चलो चौकी चलो। ऐसा है इंस्पेक्टर साहब,
यू वर्दी पहन के तो कोई भी मुझे चौकी ले जा सकता है। What? अरे दम है तो वर्दी उतार के आओ और फिर ले जाके दिखाओ चौकी। अबे बजरंग पांडे को सबके सामने धमकी है? ये पकड़ो गोपी, ये लो, उतार ली हमने वर्दी। Excuse me? अबे क्या बे, पूरी वर्दी उतार दूँ क्या बे? है? नंगा पुंगा लड़ूँ उसके साथ? Excuse me, बिना सोचे excuse me. आ जाओ, come on कपिल कूल। और एक बात आज हमसे सीख लो कपिल, जब लड़ते हैं ना तो बात नहीं करते, समझे? सीधे अरे सर, व्हाट इज दिस इज द, आपकी हो गई है टाए टाए फेस इज द, अब मैं क्या कहूं इज द, आप मम्मी जी को क्या दिखाएंगे मुंह इज द। चेन वो हर बार खींच लिया और इसके झुमके फाड़ लिए। अरे मैडम, वो इतना लंबा और चौड़ा नहीं था, वो तो एकदम पतला था, हनीमून पे जाना है। अच्छा, तो इतनी सी देर में तुमने उस आदमी को इतने गौर से देख भी लिया? चुप रहो, आटा करो यार। वैसे मैडम सच कहो, ये वो आदमी ना हो सके। मेरा नाम मंजू अग्रवाल है, बांदा मेरी ससुराल है। मैडम वैसे एक बात कहूँ, इसकी शक्ल देख के ना मुझे अपने ममेरे भाई के साले की याद आ रही है, वो भी ऐसा ही है निखट्टू, अरे जो बरेली में रह रहे। वैसे भैया तुम तो बरेली में ना रहो, अब मेरा मतलब है बरेली, बांदा, रामपुर, अलीगढ़, कालपी साइड में तो ना रहो, बताओ तो सही कहाँ रहो तुम। अरे ओ मंजू बरजातिया, हम साथ साथ हैं, फैमिली ट्री, वी लव इच अदर। अबे ज्यादा दीदी के देवर ना ढूंढने की जरूरत ना है, जितना कह रही हूँ उतना सुन ले, पूछ लिया जो जवाब दे ले। देख ले इसी डील डॉल वाला आदमी था नहीं था? नहीं नहीं मैडम, ये वैसा नहीं दिखता, झोला झारखंड का है। अरे मैं छोड़ा, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन पागलों के साथ, हम कह रहे हैं ये दो चार हाथ मारेंगे सब उगल लेगा ये। अरे नहीं 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 मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मई के महीने में। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरा तो उसूल है, मैं जेल से आने के बाद एक महीने कुछ नहीं करता, आराम करता हूँ, अभी 3 दिन पहले जेल से आया हूँ। अब 27 दिन के बाद देखना मैं कैसी धगा पे चोरियां करता हूँ। अरे मैडम दरअसल बात ये है, ये जो लड़की है ना, ये मेरी बीवी है, क्या करूं? और मैं इसका हस्बैंड हूँ, क्या करूं? अरे इसको मैंने सोने का नेकलेस दिलवाया था, जिसे पहन के ये मेरे साथ मेरे दोस्त के घर खाना खाने गई थी, क्या करूं? ओ, खाने में गए थे दोस्त के यहाँ? फिर तो कुछ अच्छा बना होगा खाने के लिए, नहीं मतलब पनीर तो बना ही होगा, और पनीर के साथ क्या था, मतलब पूरी थी या कचौड़ी, और पकोड़े थे या पकोड़ी, मतलब क्या? अबे यार इतने सारे काम छोड़ के ना थारे पे तवज्जो दूं, इतना टाइम ना अपने हिसाब से एक लगा ले अपनी जजमेंट पे। सॉरी, कहाँ क्या हुआ तुम्हारे संग, कहाँ हुआ यो कांड? मैडम वो जो घटना है ना, वो चिटपुटियागंज के ऑटो स्टैंड के पास हुई, चाइना गेट ओपन है। एक और लड़की लुट गई, उसके जेवर चोरी हो गए, वो भी चिटपुटियागंज में। वेल मॉम, कपिल कुल यहाँ है, बात है काबिले गौर इज्दा, इसका मतलब ये काम कर रहा है कोई और इज्दा। मुझे भी ये कपिल कुल शक्ल से बहुत ही सीधा भोला शरीफ दिख रहा है मैडम, ये नहीं हो सकता। लेकिन हो ना हो, वो जो भी है वो सिर्फ औरतों को अपना निशाना बना रहा है, उसको पकड़ने के लिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा मैडम।
मुंह जरा बंद कर ले, दूध के दांत दिख रहे हैं सबको यहाँ थारे। अबे वो कहाँ है दोनों ऑटो वाले जिनकी में बैठ के वो चारों लोग गए थे हैं? एक तो तीसरे वाले को ही बुलाना पड़ेगा इनके वाले को। वेल मॉम, आ गया है ऑटो वाला इज्जा, मेरे बटुए से पैसे चुरा ले गया मेरा साला इज्जा। पैसे तो कुछ मिले ना होंगे। अबे दो ऑटो वाले बुलाए थे भाई, ये तो एक है, दूसरा कहाँ है? अरे सर ये वही ऑटो वाला है जिसमें हम बैठे थे, हनीमून पे जाना है। हाँ हाँ। अरे हाँ अब पहचाने मेरी इसकी शक्ल, यही है वो जिसके ऑटो में हम बैठे थे और जिसकी मैं साली बन गई थी। मेरा नाम मंजू अग्रवाल है, बांदा मेरी ससुराल है। अरे हाँ ये तो वही ऑटो वाला है जिसके ऑटो में हम भी बैठे थे, चाइना गेट ओपन है। हाथों कष्ट ना दीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, होल्ड ऑन हियर। ओके से 1 2 3 1 2 3 अरे का वाओ वाओ वाओ, अरे क्या कनेक्शन है थारा उन सब लूटों में? मैडम मैं बोल रही हूँ, मैडम देखिए मैडम मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं हो रही है मैडम, वो ऑटो बोले घर घर। एक मिनट मैडम एक मिनट, मुझे एक मौका दीजिए मैडम, मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, मैं वो डंडा लेके आता हूँ जिसे तेल पिलाकर मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया था। उस डंडे से 3-4 हजार बार सटा सट लगाऊंगा ना, तब ये बोलेगा मैडम। अरे नहीं मैडम मैं सच बोल रही हूँ, मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है मैडम, ऑटो बोले कर कर। वेल तब बोलेगा ये सच इज द जब डंडा होगा टच चीज द। अभी बोल बे। नहीं नहीं बोलेगा। ओके से 1 2 3 फिर 1 2 3 एक नंबर का घाक किस्म का इंसान है मैं चौड़ाला, हम कह रहे हैं आपसे तीनों कान तेरी रिक्शा में हुए हैं, तीनों पैसेंजर जब उतर रहे थे तब वो लूट लिए गए और तू कह रहा है कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए सर मैं आपको बता रही हूँ सर, ये मेरा बैड लक है सर, बदकिस्मत ये है कि वो तीनों कस्टमर मेरे ही ऑटो में बैठे रहे और उतरते वक्त वो लूट गए, ये मेरी मेरी बदकिस्मती थी, ऑटो बोले घर घर और इधर आप लोग मुझे सूत रहे। आए। आए, आए। मैं बोल। नमस्ते। नमस्ते मैडम, कानन कुमार हाजिर है, घंटी बच के रहेगी। के लेने आयो? मैं लेने नहीं, मैं देने देने आया हूँ जमानत, ये रिक्शा ड्राइवर की घंटी बच के रहेगी। कौन दे रहा है इसकी जमानत? मैं देने वाला हूँ जमानत, क्योंकि मेरा नाम है अमानत, अमानत सक्सेना। पैर टूट गया। पैर कैसे टूट गया यार? पड़ोसन के घर की दीवार फांद रहे थे या फिर वो गर्ल्स हॉस्टल की खिड़की से कूद रहे थे? ना दीवार फांद के ना खिड़की से कूद के, मेरा पैर फिसल गया इसलिए टूट गया। ओहो मेगा ब्रो, पांव फिसल गया जवानी में इसदा, मछली तैर गई पानी में इसदा। गेट आउट है जी, गेट आउट। I can't. Hi. 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 हमारे मेरे दोस्त मैं बोल रही हूँ, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, वरना ऑटो बोले घर घर। दिखाओ जमानत के पेपर। हाँ सॉरी, ये सब्जी मंडी का हिसाब। तू यो ना समझियो, जमानत हो गई तो बच गया तू, अब बल्कि उल्टा और फंसेगा। हाँ मैं चलता हूँ, कोई क्लाइंट और बाहर खड़े हैं। घंटी बच के रहेगी, घंटी बच के रहेगी। ओके ओके, ओवर एक्साइटेड। मैडम मुझे क्या लग रहा है कि ये जो मेरा दोस्त है ना, वो बड़ा ही शरीफ और ईमानदार आदमी है, उसे फंसाया जा रहा है। हाँ उसके ऑटो में जो भी पैसेंजर बैठ रहे हैं ना, उसे ही लूटा जा रहा है ताकि इस पे शक आ जाए।
अच्छा पहले ये बात बताओ, तुम दोनों भाई भाई हो क्या? सेम हेयर स्टाइल, सेम मदर, माने नो डिफरेंट मदर। अच्छा तो मिस चौटाला, ये जो है, जो जिसके पांव बेचारे की टूट गए, ये काफी शरीफ किस्म का इंसान लग रहा है, तो हो सकता है ये सच कह रहा हूँ? ये गुंडा किस्म का इंसान हो सकता है गुनेगार ना हो, हैं? हो सकता है ना? ठीक है सर, तो कल इसके ऑटो में जरा हम सवारी कर ले, हम भी तो देखें हमें कौन लूटता है। लीजिए सेठ जी, आ गया आपका चिटपुटिया का ऑटो, बोले घर घर। कितने हुए? 50 रुपए हुए सर, ऑटो बोले घर घर। ये लो 10 रुपए लाखो। अरे 10? अबे रख बे 10 रुपए। ऑटो बोले घर घर। इतना अच्छा आदमी को तुम घर आना, खाना खिलाएं तुम्हें, हैं तू घर चले पक्का। सुनसान गली से गुजर रहे, कीमती हार पहनने की क्या जरूरत थी तुमको, हैं? देखो हम कह देते हैं, हार के बारे में कुछ न कहो, हार हमरे ससांग की निशानी भाई। ससांग कौन हुआ? अरे वो एक नंबर का छेड़ू है ना ससांग। ओ कालिया कालिया कलूटा, खुद तो चूने की शक्ल हो रही, सब तो काले ही लगेंगे ना तुम्हें, इतना भी काला नहीं है वो। सुना है हमने ससांग के बारे में, सुना है। चलो हार पहन लिया तो ये झुमके पहनने की क्या जरूरत थी, एक एक झुमके 5-5 लाख के झुमके। झुमके नहीं पहनेंगे तो नवीन नाराज नहीं हो जाएगा, वैलेंटाइन पे ला के दिए उसने झुमके। और नवीन, अरे वो सबसे मोहल्ले में करेक्टर का ढीला हो रहा ना, एकदम ही छोरा वो नवीन। इसके कमरे में तुम्हारी फोटो लगी है? अरे कमरे में कहाँ टांगी, वो तो किचन में टांग रखी। तुम्हें कैसे पता? चाय वाले जी बोलो। ए, हम हैं चाय वाले, हमारी दुकान है, हम हैं झल्लू, बताइए साहब क्या लेंगे? तुम्हें झल्लू जरा दो बनाओ, दो चाय बनाओ, अदरक मार के एकदम अच्छा। अरे अभी लीजिए। सुनो भाई झल्लू, मेरी चाय में ना शक्कर थोड़ा ज्यादा रखना, क्योंकि मुझे शुगर है। ए, सर क्या आप लोग? खाना ना खा लिया आप लोगों ने? सर खाया। छोड़ो जी पल्ला साहब गला छोड़ो। दो घंटे तो असि उल्लू वांग चाकी जाने बैठे थे। सब तो पहला ये दसो तुहानू किसने लुटिया कि नहीं लुटिया? अबे इसदा कौन सी भाषा बोल रहा है, क्या कह रहे हो? मैडम ये कह रहे हैं कि आप लोगों किसी ने लूटा कि नहीं लूटा? नहीं। क्या किसी ने नहीं लूटा? अरे मैडम लेकिन आप तो उसी ऑटो में बैठे थे जिस ऑटो में जो बैठता है उसे लूटा जाता है। हाँ इसलिए तो समझ में ना आ रहा कि हम लूटे क्यों ना गए। अबे जबकि हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उन्होंने बहुत महंगे जेवर पहने, तब भी कोई नहीं आया। सर मन ने तो दिखे कि उस लुटेरे को पहले पता लग गया है कि ऑटो में पुलिस थी। हाउ इज पोस्टर इज द पॉसिबल? या दिस वन। हाँ लेकिन मैडम उसे कैसे पता चला कि आप लोग पुलिस वाले हैं? यही तो सवाल है कि उसे कैसे पता चल गया कि हम दोनों पुलिस वाले हैं, जबकि जो बात हो रही थी उस वक्त हमारे अलावा सिर्फ दो लोग मौजूद थे, एक है वो ऑटो वाला, दूसरा है वो ऑटो वाले का दोस्त जिसके पैर टूटे हैं। हाँ मैं तो कह रही हूँ उन दोनों को जरा चौकी बुलवाओ, उनसे जरा फिर से एक बार पूछताछ होगी। हैं? ये! अरे साहब आप लोगों की चाय में अदरक रहेगी? भूला! ऑटो बोले घर घर। ओहो आइए, वेलकम वेलकम भाई। हमें यो सूचित करना पड़ रहा है सबको कि हम तो ऑटो में बैठ गए हैं, हमने खूब झोटे वोटे भी खा लिए हवा के, लेकिन यार हमें किसी ने लूटा ही नहीं। व्हाट पार्सेलिटी सर? हाँ मैडम मतलब ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ समझ में नहीं आया, क्या आप और सर इतने गए गुजरे? मेरा मतलब क्यों नहीं लूटा क्यों?
अरे हमें क्या मालूम क्यों नहीं आया, ऑटो बोले घर घर। हो सकता है कि जो लुटेरा है उसका पेट खराब हो, उसके पास टाइम ना हो, या तो उसके पैर टूट गए हो, या तो उसका मूड ही ना हो, पैर टूट गया या यो भी हो सके कि लुटेरे को पता लग गया हो कि भाई आज तुम पुलिस बैठने वाली है। आप कहीं ये तो नहीं बोल रही है मैडम कि हम लोगों ने लुटेरों को बता दिया कि आप लोग आ रहे हो, ऑटो बोले घुर्र घुर्र। भाई होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि तुम दोनों ने लुटेरे को बता दिया, ये भी हो सकता है कि वो लुटेरा तुम दोनों में से कोई हो, हैं? Yes! लेकिन मैडम मैं कैसे, मैडम मैं तो ऑटो चला रहा था ना, ऑटो बोले घुर्र घुर्र। तो और मैडम मैं तो हो ही नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि एक महीने पहले ही मेरी टांगे टूट गई है। अगर मैं पैसेंजर्स को लूटूंगा तो फिर मैं दौड़ूंगा कैसे, पैर टूट गया। वेल मॉम शी इज राइट इज द गुड मॉर्निंग गुड नाइट इज द। हाँ मैडम हाँ ऐसा होता है, एक बार मेरे भी पैर टूट गए थे, एक पहलवान की बीवी को मैं अपनी बीवी समझ रहा था, याददाश्त भूल के, तो फिर मैं एक महीने बाद चल पाया था। उसने मेरे पैर तोड़ दिए थे। ठीक है तुम लोग निकलो। थैंक यू मैडम, ऑटो बोले गुर्र गुर्र। हाँ चल बाहर बोले। मिस चौटाला ये दोनों तो चले गए, अभी तीसरा कौन है? Yes! जो लड़कियों के जेवर छीन रहा है। पता चलेगा नहीं सर, पता चल गया। वेल मॉम हु द ही द आर इज द एमपी यूपी बिहार इज द। भाई मारे दिमाग में मारा एक आइडिया आया है। मुलायजा फरमाइए। इरशाद बताइए। आई थिंक आई विल एसएमएस इट टू यू बिकॉज दीवारों के भी कान हो गए। व्हाट इज देयर। नादान मेहरबान कदरदान खानदान निम्मदारी तुम्हें डांस, ये सपेरा तुम्हें डांस दिखाएगा, अपना नहीं वे ओरिजिनल 100% ISI मार्क नागिन, नागिन डांस। हम यहाँ नागिन डांस, हम क्या बात कर रहे हो यहाँ? हम ऐसे वाली नागिन की बात कर रहे हैं समझे, ओरिजिनल नागिन 100% वाली नागिन डांस, इच्छाधारी नागिन भैया। अरे बुलाओ बुलाओ अपनी इच्छाधारी नागिन को बुलवाओ। हजारों साल के बाद हा? मैं इस रूप में अपने नाग से मिलने निकली थी, तूने मुझे रोक के छेड़ दिया, अब मैं तुझे डस के रहूंगी। अब तू बच के देख ले, मैं अभी गई और चेंज करके आई, फिर तुझे डसूंगी, अब बच ले तू। अरे सुने 100 रुपए दिए। अबे तुमने काम तो 1,00,000 रुपया कर दिया ना। पप्पी लेने किसने बोला बे? वो छोड़ेगी नहीं, अभी काट देगी गुस्से हाँ? में बहुत ही खतरनाक है नागिन, ये जानते नहीं है गुस्सा। आगे आगे चेंज करके आ गई, बहुत भड़की भी हमें दिख रहा है। लेकिन इतना जल्दी चेंज कर लिया। भागो। अरे अरे भागो भाग में। अरे भागो। ए इधर ही आ रही है। ए नहीं ए ए इधर। भागो 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 नागिन। वेल खत्म हो गया तुम्हारा खेल इस दा, अब तुम जाओगे जेल इस दा। हाँ
पुलिस को घास चराने चला था तू? ये बोल, क्या बोलना? बस मैडम, बोलना इतना ही है कि आपको मुझ पर कैसे शक हुआ कि ये जो सारी लूट हुई है उसका लुटेरा मैं ही हूँ? पैर टूट गया। एग्जैक्टली, पैर टूट गया भाई। जब इंसान का हाथ या पैर टूट जावे या कोई और अंग, तो वो एरिया हो जावे इन्फ्लेमेट, यानी सूज जावे, भारी सूजन आ जावे, और उसके बाद डॉक्टर उस पर चढ़ावे प्लास्टर, जिससे हड्डी हड्डी जुड़ जाए। फिर एक महीने के लंबे समय के उपरांत सूजन जो है कम हो जावे, क्योंकि यार आदमी हील हो जावे ना, और प्लास्टर हो जावे ढीला। पर थारा प्लास्टर तो एकदम टकाटक है, और थारा कहना यो है कि भैया एक महीने से प्लास्टर चढ़ा हुआ है, बस वहीं पकड़ा गया तू। वहीं मन ने पता लग गया यार आदमी तो झूठ बोल रहा। फिर हमने जाल बिछाया और तू दौड़ लिया। इतनी प्यारी बातें करती ना। लेकिन सवाल ये मैं छोड़ा ला कि इसने जो जेवर चुरा है वो कहाँ है? वो तो मिले ही ना। जेवर? सर वो सब यहीं, बल्कि यहाँ है। ओह माय गॉड, क्या एक आपको मम्मा कहता है, दूसरा आपके पैर छूके जाता है। आप मिस चौड़ाला ये केस भी सॉल्व कर दिया ना, तो वैसे हम वो सपेर के गेटअप में कैसे लग रहे थे ये तो बताओ। सपेरा? सर आप एकदम माइंड ब्लोइंग लग रहे थे, मतलब एकदम फुल टू। मैं क्या कह रही हूँ सर, इट इज टाइम कि आप जो है ना इब अपने लिए एक सपेरन ढूंढ लीजिए और आप सर कर लीजिए, अपने हाथ पी ले सर, शादी कर लीजिए आप। इट्स हाई टाइम। ढूंढ ली? रियली? लेकिन वो सपेरन नहीं है, वो लुटेरन है। जिसने हमारा दिल लूट लिया, जिसने हमारी चैन लूट ली, हमारी रातों की नींद लूट ली, हम जिससे प्यार करते हैं वो है कोई? अब आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू सर, पर कैन आई नो हु इज शी? छोड़ाला क्या है ना, आज हम सोच रहे हैं आपको अपनी दिल की बात बताई देते हैं। करेक्ट है सर, लेट टुडे बी द डे। टुडे बी द डे, डे टुडे बी द डे। हम क्या कह रहे हैं ना मिचोला, आप Are you okay? आज हम फपलाएंगे ना, हम अपने आप को जोश में लाएंगे और आज तो कह के रहेंगे टुडे इज द डे, टुडे इज द डे। अरे सर जरूरत है, जोश में लाने के लिए जरूरत है। बस इसकी जरूरत ना थी जो इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ पर हुआ है वो। तो मिश्राला जो दिल की बात कहना है वो पोस्टपोन सर, पोस्टपोन कर दे सर, और दर्जी के पास जाकर जो जरूरी काम है वो कर ले। रेन चेक सर? जी, हमारा सामान सब घर पे जरा भिजवा देना हमारे। ओके, हम जरा आते हैं थोड़ी देर में। Finish. Oh, tired.
पापा मेंटल है। मेरा फेवरेट परफ्यूम। ऐसा कोई कुछ स्मेल करता है जैसे जलने को मांगता है कुछ। हमको कुछ बोलने को मांगता, हमको कुछ कहने को मांगता, हमको ये कहने को मांगता कि तुम लोगों में से हमारा एफआईआर कौन लिखेगा। छछुंदा छटपटा गया मैन। तुमको हम तीनों में से किसका शक्ल सबसे अच्छा लगता है मैन? उससे क्या होएगा मैन? छछुंदा छटपटा गया। उससे यह होएगा कि जिसका शक्ल तुमको सबसे अच्छा लगेगा वो तुम्हारा एफआईआर लिख देगा। मैन क्या हो रहा है? क्या अंकल आंटी ट्रेन छूट गई तुम्हारी? हवाई जहाज? मैं ना हवाई जहाज छूटा ना ट्रेन छूटा, बल्कि हम ये बताना मांगते हैं कि आग लग गया, छछुंडा छटपटा गया मैन। भाई भाई अगर आग लगी है तो क्या बोलते हैं उसको, फायर ब्रिगेड बुलाओ। हाँ चौकी क्यों आए हो बे? पान खाएंगे हम छुड़ा ना। Well, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इस दा, तुम जल्दी दे दो अपना। Well, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इस दा, तुम जल्दी दे दो अपना इन्फेक्शन इस दा। इंट्रोडक्शन? Hey, yeah, this one. Yeah, madam, myself Tony, छछुंदा छटपटा गया man. अबे रोनी भी हो तू तो मैं क्या करूं यार, मैं धोनी बन जाऊं क्या बल्ला लेके हाथ में? मैंने आपन बताता है आप लोगों को, हमारा घर है ना वो जल के खाक हो गया, इसलिए आपन इधर को आया कि आप लोग को रिक्वेस्ट करने को आया कि आप लोग वहां पे हमारे घर पे आइए और ढूंढिए कि किसने आग लगाया। छछुंदा छटपटा गया मैन। एक मिनट बे, तुम्हें कैसे पता कि किसने तुम्हारे घर में आग लगाई है? आग तो हमारे अंदर लगी। हमारा मतलब है कि आग लग भी सकती है। तुम कहाँ थे बे जब आग लगी टोनी? अच्छा तो तुमको कब और कैसे पता चला कि तुम्हारे घर में आग लगी है मैन? हम फोन किया। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रोजी आंटी, इसका पड़ोसन है। हम देखा मैडम कि टोनी के घर में बड़ा बड़ा आग का लपटे निकल रहा है। हम तो एकदम डर गया, घबरा गया। हम तुरंत फोन किया टोनी को, हेलो टोनी बाबा, कम सुन कम सुन, तुम्हारे घर में आग लगा है। सूजी का पापा मेंटल है। सूजी कौन है? हर डॉटर। वाओ बस सर, माय पर्सनल लिटिल बिट फायर एक्सपीरियंस जितना भी हुआ है, मैंने यो देखा है कि कभी कोई इंसान जो है कहीं आग लगी उसको अगर दिख जावे तो उसका तुरंत वाला जो बेसिक इंस्टिंक्ट शैरन स्टोन होवे है कि फोन उठा के वो फायर ब्रिगेड ने फोन कर देवे, है ना? करेक्ट। पर आंटी ने ऐसा ना करा, आंटी ने करेक्ट टोनी को फोन। कंफ्यूजन है भाई आंटी, हाउ लाइक दैट? क्या कहना मांगता है? हम उस वक्त घबरा गया था, हमको जो ठीक लगा हम वैसे ही किया। सूजी का पापा मेंटल है। घबरा तो अब भी रही हो आंटी ना, काय घबरा रही हो? मिस्टर टोनी तुम कहां थे भाई कल रात को, बताओ? मैन आई टोल्ड यू ना, आई वाज आउट ऑफ सिटी, छछुंदा छटपटा गया। एक्चुअली सी हम आपको बताते हैं, हम है ना एक बहुत बड़ा रिसर्चर है। You know, कि वो जो गंजा सर वाला होता है ना उसके सर पे कैसा बाल उगे उसका हम रिसर्च करते हैं। वो कटहल का छिलका जो होता है ना उसको घिस घिस के ऐसा करेगा ना तो बाल उगता है। हमने भी ट्राई किया, ये देखो, हाँ हाँ उगा ना, थोड़ा बहुत बाल उगा ना, छछुंदा छटपटा गया मैन।
तो क्या हो गया कि वो रिसर्च के लिए हम आउट ऑफ सिटी गया था, छछुंदर छटपटा गया मैन। चलो सही है भाई, तुम्हारे घर में 60 सर्किट हुआ है या तुम्हारे यहाँ किसी ने लगाई है आग? अब यो जानने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, हैं? जाना पड़ेगा अपना उधर क्राइम सीन में, नहीं जाएंगे मिस्टर चौटाला, अपनी इंटेलिजेंट टीम के साथ जाएंगे और मालूम करके आएंगे क्या हुआ था। सर आर यू कॉलिंग दिस गाइस इंटेलिजेंट? सबके सामने तो झूठ बोलना पड़ता है मिस्टर चौटाला, आ जाएंगे इंटेलिजेंट टीम के साथ, डोंट वरी। अरे रे, इतना सी पहली बार देखा इतना जला हुआ घर। ओ बिल्लू। सर मेरा बड़ा मन था ऐसा जला हुआ घर देखने का। आज हमने तेरा शौक पूरा कर दिया। देख कुछ बात आ रही है, हमें कुछ बात आ रही है सर। सिन इंस्पेक्टर साहब, आप उन सोच भी नहीं सकता था कि कोई अपना घर इस तरह जला कर ऐश कर देगा। अब हम क्या करेगा, छछुंदर छटपटा गया। well, इस आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, रीजन इज द मेरी सांस डांटती रहती है चाहे जो भी हो, सीजन इज द। मिल गया सर। सबूत मिल गया, ये डब्बा और इसमें से मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन की बू आ रही है, बू सुंगे सर आप सुंगे। good, good. अबे सुंगने की क्या जरूरत है बे, अंदर तेल दिख रहा है, पी भी सकते हो उसको। सुंगे बोल रहे हैं बिल्लू, केरोसिन ही है। हाँ। तो हमने क्या कहा, डब्बे में केरोसिन अब तक है मिस्टर टोनी, इसका मतलब है आपके घर में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है बल्कि आपके घर को इसी केरोसिन से जलाया गया है। मिस्टर टोनी एक प्राइवेट सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, हमारा मतलब है कोई आपसे जलता हो या आपने किसी का कुछ बिगाड़ा हो और उसने आपका घर जला दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है? यस यस इंस्पेक्टर, वही जोएगा छछुंदर छटपटा गया। वेल हु इज दैट फेलो इज द मेरी सास लाइक बफेलो इज द। उसका नाम है सनी उसका नाम है, छछुंदर छटपटा गया सर। वो है ना आप उनका असिस्टेंट था प्रोजेक्ट में, रिसर्च में उसने हमको रिसर्च में सपोर्ट किया, असिस्ट किया। उसके बाद ना रिसर्च खत्म होने के बाद उसने इतना बड़ा क्रेडिट मांगा कि आपके ऊपर हमारा नाम आना चाहिए, तो हमने उसको साफ साफ मना कर दिया कि नो नॉट पॉसिबल, छछुंदर छटपटा गया, इसलिए उसने जल बुन कर ये सारा हमारा घर जो है ना उसे जला कर ऐश कर दिया। छछुंदर छटपटा गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा पान खाते हो क्या भैया? नो कहाँ मिलेगा ये सनी जुनेजा मैन? मैन हाँ, आई विल गिव यू हिज एड्रेस। गुड गुड। अबे हमारा पान किसके पास है? पता नहीं। well, ये क्या है गड़बड़ घोटाला इज्दा, यहाँ तो लगा है ताला इज्दा। समझ गया सर, जरूर वो सनी कांड करके भाग गया होगा सर, भाग ही जाएगा सर, डर गया होगा ना कि हम जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर आके उसे कहीं पकड़ ना ले। मुंह खोलो। अबे वो क्या मुंह में क्या कुछ तो हमारा पान खा रहे हो क्या बे? मैं पान खाते ही नहीं सर, कभी मैंने टच भी नहीं किया सर। आई डाउट यू। अबे तोड़ो बे, तोड़ो इसको, तोड़ो, सनी को ढूंढना तो पड़ेगा ना, तोड़ो उसको, चलो। अरे सर आप बिना एक नंबर के भोले हैं सर, सर ताला तोड़ के क्या करेंगे सर, जब सनी यहाँ पे है ही नहीं तो हम घर में घुस के क्या करेंगे, घर देख के उसे खरीदना थोड़ी है। तो मैं जितना कहा गया ना उतना सुनो सिर्फ, तोड़ो मतलब तोड़ो समझे, हमने बोल दिया मतलब सोच समझ के बोला है। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. ऐसा कोई ताला नहीं है जिसको गोपी नहीं खोल सकता। One moment, please.
ये क्या किया है? ताला तोड़ना है ना? ताला तोड़ना है? हाथ थोड़ी तोड़ना है यार। ये तोड़ा। ओ बिल्लू। तोड़ो। इसको भी जरा दे सकते हो? दे दो। नहीं नहीं नहीं। ताला ताला ताला। अरे अरे आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो बे? अरे भाई साहब मैं इस घर का मालिक हूँ। Well, तो तुम हो सनी जुनेजा इज्जा, मेरी बीवी हर समय खाती है मेरा भेजा इज्जा। हाँ हाँ मेरा ही नाम सनी जुनेजा है। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर मतलब बात क्या है? अरे चलो यार हमारे साथ चौकी चलो, आओ आओ कम। लेकिन मेरा कसूर क्या है? Well, चौकी चलो पता चल जाएगा क्या है कसूर इसदा। सास तो सास, मेरी बैंड बजाता है मेरा ससुर इसदा। अबे क्या घर की बात बाहर निकालते हो बे? कुछ तो हम क्रिमिनल को पकड़ना है उसके सामने अपनी इज्जत की। सो है अबे चल बे चलो। Well, mom, she is the Sunny Juneja is the बेरा है मन्ने। हाँ सनी क्या है तू असिस्टेंट लग रहा है उस टोनी का? और रिसर्च में तू मांग रहा क्रेडिट? जब उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दे रहा मैं बन मैन सो हो रहा हूँ तो तैने जो उसके रिसर्च में और घर में दोनों में आग लगा दी तैने। अरे मैडम ये झूठ है, एकदम झूठ है। हाय हाय चल अपना गुनाह चुपचाप कबूल कर ले, हम ये केस बंद करते और घर जाते, चल जल्दी कर। अरे जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं क्यों कबूल करूंगा? झूठ बोलता है मैन, ये झूठ बोलता है। तुम अपुन का असिस्टेंट है कि नहीं? तो तुमने हमारा रिसर्च में इतना बड़ा क्रेडिट नहीं मांगा था? हाँ मांगा था ना, और हमने मना किया था। छछुंदर छटपटा गया मैन। ए मैन बोलता था कुनी, ये सब तूने किया दरा है। हाँ मैडम ये एक नंबर का लफंगा है, सूजी का पापा मेंटल है। अरे आंटी जी आप तो चुप ही रहिए। अरे आपसे किसी ने कुछ पूछा जो बीच में बोल रही हो? अबे क्या बे, ये हमारी चौकी है समझे, यहाँ कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा हम डिसाइड करेंगे। एक तो आग लगा दी ऊपर से गुंडागर्दी करता है, हैं? अरे भाई साहब मैं कितनी बार कहूँ मैंने आग नहीं लगाई। Well, अगर तुमने नहीं लगाई आग इसदा तो तुम कहाँ थे उस रात इसदा? ए मैं बोलो बोलता क्यों नहीं है, अब क्यों चुप है? हाँ क्योंकि मैडम आग इसी ने लगाया। सूजी का पापा मेंटल है। अच्छा अच्छा तो आपने आंटी देखा उसको इसने आग लगा रहा था? यो नहीं, जब नहीं देखा तो क्यों बोल रही बीच में खड़ी खड़ी बुढ़िया? अबे बोल ना कहाँ था तू उस रात? मम्मी मैं ना भूला, अंदर गया था ना पानी पीने के लिए ना, तो पापा ने ना मुझे मारा यहाँ पे। अबे एक यो अबे बहुत ही हाई मेंटेनेंस हवलदार है तू। ओ बिल्लू अबे क्या देख रहा है, होता रहता है सब। तो बता तू कहाँ था उस रात को, वो बता बे जल्दी। हम बताता है उस रात सनी कहाँ था? लव लॉलीपॉप है। Well, baby, who the you the R is the? मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार is the। सूजी, तुम क्या करने को मांगता इधर? हाँ, काहे को आए तुम इधर? सूजी का पापा मेंटल है। मम्मी, तुम एकदम चुप रहना मांगता, हम कुछ नहीं सहेगा, सब कुछ बोल के रहेगा। लव लॉलीपॉप है। और मैडम, हम सूजी है जिसका पापा मेंटल है और मम्मी भी। How they know? Correct. ओफो, मैडम, सनी और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करना मांगता, एक दूसरे के साथ जीना मरना मांगता। नहीं। उस रात हम भोपू थिएटर में नाटक देखने गया था, लव लॉलीपॉप है। अच्छा कौन सा नाटक देखने गया था बे?
और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम दोनों उस रात को वहीं थे? ब्रदर, तुमको सबूत मांगता है ना? हैं? हम तुम्हें सबूत देगा। उस रात हम नाटक देखने गया था, हमारा ठुमका तुम्हारा झुमका। उसका हमारे पास टिकट है, उसका फर्स्ट शो था। टिकट हाँ, ये टिकट देख लिया आपने? हाँ, हम दोनों हैंड में हैंड डाल के वो नाटक देख रहा था। और हाँ, वहाँ मेरा वॉचमैन से झगड़ा भी हुआ था। आप चाहो तो कंफर्म करके देख सकते हो। कंफर्म्ड? इसका मतलब आग इसने ना लगाई है। और इसने ना लगाई है तो किसने लगाई? एक बार और क्राइम सीन पे जाना होगा। हाँ, हालत हो गई है जगह की। चौटू, क्या लगता है छोड़ाला, क्या लगता है कोई सुराग वराग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैडम, मुझे लगता है कि इस पूरी जगह के ना हर जगह फिंगरप्रिंट्स चेक करने चाहिए मैडम, कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। फिंगरप्रिंट जो है ना, बाबा आदम के जमाने का हो गया फिंगरप्रिंट। आजकल कोई क्रिमिनल कहीं के जो है अपने फिंगरप्रिंट ना छोड़ता, सब में अकल आ गई है। दस्ताने पहन के करते हैं लोग क्राइम। जिसने आग लगाई है उसने भी दस्ताने पहने होंगे। मॉम, जिसने लगाई है आग इसदा, उसने कोई नहीं छोड़ा है सुराग इसदा। है मतलब है यार, थोड़ा सा है सुराग। योर सुराग। चल मैडम जी, मैडम जी। मैडम जी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है खड़ा हुआ? मैडम जी मुझे जाने दो, मैडम जी मुझे जाने दो, मैं भीख डॉलर में लेता हूँ। अबे मैं कोई जो है शक्ति कपूर हूँ जो मन्ने? जाने दो जाने दो। ताका झाकी तू कर रहा, सस्पिशियस आदमी तू लग रहा, और तेने जाने दे के कर रहा था वहां छुप छुप के। मैडम कुछ नहीं, मैडम जी मैं वहां कुछ नहीं कर रहा था। मैडम मैडम जरूर जरूर इसी ने आग लगाई है इस घर में। मैडम इसके चेहरे पे खौफ देखिए, डर देखिए मैडम, और देखिए कपड़े भी जल गए आग में। वेल मॉम, इसने पहना है दस्ताना इसदा, घर में मैं ही बनाता हूँ खाना इसदा। बोल बे, हैं क्या कर रहा था? और बोल, अबे बोल ना, देंगे उल्टे हाथ का एक बिहारी लपड़। बोल। बताता हूँ साहब जी, बताता हूँ। मैडम जी, मैडम जी मैं भिखारी हूँ और मैं भीख जो है डॉलर में लेता हूँ। और मैडम जी आज भी मैं गिरी हुई चीज ही उठाता हूँ। और ये जो दस्ताना है ना मैडम जी, वो एक आदमी जो है हमारे मुंह पे फेंक के भाग गया। पर मैडम जी हमने उसको भागते हुए देखा है जब ये घर जो है धू धू करके जल रहा था। मैं भीख डॉलर में लेता हूँ। Well, खुल के कहो क्या है बात इसदा, क्या हुआ था उस रात इसदा? दादाजी मैडम जी, वो क्या हुआ कि मैडम जी मैंने देखा कि एक आदमी जो है इस घर की तरफ से भागते जा रहा था जब यहाँ पे आग लगी हुई थी। और मैडम वो आदमी जो है ना वो कुछ दूर गया और उसके बाद रुक गया। और उसके बाद जो है उसने चारों तरफ इधर उधर देखा और दस्ताना निकाल के फेंका। ये दोनों दस्ताने? हाँ हाँ मैडम, यही दोनों दस्ताने निकाल के उसने फेंका। और उसके बाद मैडम वो उचक उचक के चल के निकल गया। मैं भी डॉलर में लेता हूँ। मैडम अगर इसकी बात माने तो ये हमारा चश्मदीद गवाह है मैडम। अब हम पहुंच जाएंगे उस आदमी तक जिसने इस घर में आग लगाई और जो उचक उचक के चलता है। उचक उचक के चलने वाला आदमी आखिर है कौन?